क्लास आज हम पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे कंप्लीट दिस। इसमें हमें डिविजन करनी है, जैसा कि हम ग्रेड 1 एंड 2 में भी डिविजन कर चुके हैं, सेम उस तरीके से हमें यहां पर भी डिवाइड कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि ये जो साइन है हमारे पास डिविजन का, डिविजन के अंदर जो वैल्यू होती है, डिविजन के अंदर जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं डिवाइडेड, और जिसका हम टेबल पढ़ते हैं डिवाइड करने के लिए जो बाहरी वाली वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं डिवाइजर। तो हम डिवाइजर का टेबल पढ़ेंगे 42 तक। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 7s are 42। हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 है, मीन्स कि हमारे पास आंसर क्या है 7। सेम इसी तरह बी पार्ट में हमारे पास 54 divided by 9, 9 के टेबल पढ़ेंगे, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 6। इसी तरह सी पार्ट है हमारे पास 60 divided by 6, हमें पता है 6 10 का क्या होता है 16। हमारे पास आंसर क्या है 10। इसी तरह डी पार्ट है हमारे पास 48 divided by 8, 8 के टेबल 48 तक पढ़ेंगे, 8 6s are 48, हमारे पास आंसर 6 आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कंप्लीट दिस, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, 8 4s are 8 के टेबल में पढ़ेंगे, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32। इसी तरह बी पार्ट है 8 multiply 6, 8 के टेबल 6 तक पढ़ेंगे, हमने यहाँ पे 8 का टेबल 4 तक पढ़ा तो हमारे पास 32 आया, 8 5s are 40 एंड 8 6s are 48। इसी तरह सी पार्ट है 10 multiply 7, आंसर इज 70। डी पार्ट है हमारे पास 8 multiply 9, 8 9s are 72। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। हमारे पास जो ए पार्ट है 36 divided by 4, इसको हम डिवाइडिंग के देख लेते हैं, 36 divided by 4 के